बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में पॉलिटिकल इवेंट से हटकर एक बुक लॉन्च के मौके पर पहुंचे। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा लेखक ध्रुव सोमानी की बुक अ टच ऑफ इविल के लॉन्च पर पहुंचे थे, जहां वे मन की बात और #MeToo अभियान पर बात करते नजर आए। इस मौके पर शत्रुघ्न ये कहते नजर आए कि एक सफल आदमी के पीछे हमेशा से ही एक महिला का हाथ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इवेंट पर शत्रुघ्न सिन्हा मीटू मूवमेंट पर बोलते हुए ये कहते नजर आए कि अब तो एक सफल आदमी के पतन के पीछे भी एक महिला का ही हाथ है। अच्छे खासे कामयाब मर्दों के ये नाकामयाबी या परेशानी या बदनामी के पीछे भी बहुत हद तक कई बार मीटू के जमाने में मैं औरतों को ही देख रहा हूँ। तो सुना आपने किस तरह शत्रुघ्न ये कहते नजर आए कि उन्होंने इस अभियान में जो देखा है उसमें सफल पुरुषों की परेशानियों और बदनामी के पीछे ज्यादातर महिलाएं ही रही हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी साफ सुथरी छवि के बारे में भी आप खुद सुनिए शत्रुघ्न क्या कहते नजर आए। कई अभी थोड़ा अपने आप को भाग्यशाली पा रहा हूँ कि आज के इस जमाने में अभी तक तमाम हरकतें करने के बावजूद भी मेरा नाम अभी तक मी टू की श्रेणी में नहीं आया है। इसलिए अब मैं और ज्यादा बात नहीं, इसीलिए मैं कई बार पत्नी की बात मानता हूँ और कई बार मैं पत्नी को कवच बनाकर साथ ले चलता हूँ। गौरतलब है कि शत्रुघ्न के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं जो #MeToo मूवमेंट से बचे हुए हैं। वहीं इस मौके पर शत्रुघ्न पॉलिटिकल सवालों से भी बचते नजर आए। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो इन दिनों भले ही वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी पर वार करने से भी नहीं बचते। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।